फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आज मैं आप सभी को बताऊंगी मेरी एक छोटी सी शॉपिंग मैंने की थी कहीं किसी और के लिए, और यूज कहीं और हो गया। कहाँ यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, वो सब मैं आप सभी को बताऊंगी। आगे पहले देख लेते हैं हमारी। तो देखिए, शॉपिंग में मैंने किए हैं ये दो प्यारे प्यारे ग्लास, बहुत ही ज्यादा क्यूट है। देखिए, दोनों भी सेम है और इस पे है ना फिश की जो होती है वो वैसे टाइप की डिजाइन बनी हुई है, और ये छोटे छोटे नीचे फ्लावर से है, और ये बहुत ही ज्यादा प्यारे। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, एकदम वेलकम ड्रिंक किसी के लिए बनानी है या चॉकलेट शॉट वगैरह इसमें ही मिलता है। बट वो प्लेन ग्लास होता है, ये थोड़ा फैंसी है। ये मैं लेकर आई थी हमारे ठाकुर जी और राधा रानी के लिए, बट ये कहीं और यूज हुए जो मैं आगे बताऊंगी आप सभी को। बट ये बहुत प्यारे है और ये मुझे ओनली 30-30 रुपीज में आए हैं। सेल लगा था, सो सेल में मुझे 30-30 रुपीज में ये दो प्यारे मिल गए थे और लास्ट दो ही पीस बचे थे, मतलब पूरा सेट नहीं था। सो मुझे तो दो ही चाहिए थे और दो मुझे मिल गए। उसके अलावा मैंने ये लिए हैं दो प्यारे प्यारे मिट्टी के कप, जो कि कुल्हड़ जैसे है बट ये चीनी मिट्टी के है, जैसे कप होता है हमारा उस टाइप के है। और ये लगभग मुझे 21 में आए थे डीमार्ट में। आप सभी डीमार्ट जाते होंगे तो आपको पता ही होगा कि वहां से। सो मुझे दो ही चाहिए थे, मैंने दो ही लिए। बट अभी देखती हूँ, अगर अच्छे लगे तो मैं और पूरा 6 का सेट बना लूंगी लाकर, बट अभी फिलहाल तो दो ही है। और ये बहुत डीप है तो इसमें भी आप है ना जूस या किसी को मतलब चाय तो इतनी नहीं कोई पीता है इतना भर भर के, बट इसमें आप जूस है या लस्सी है या शरबत वगैरह आप बनाकर दे सकते, बहुत प्यारा लगेगा। ये भी वेलकम ड्रिंक के लिए। उसके अलावा मैंने ये एक प्यारी प्यारी सी बास्केट ली है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो देखिए, ये मुझे 3 साइज में बास्केट आई है। मैं थोड़ा आपको कैमरा नीचे करके बताती हूँ। देखिए, ये 3 बास्केट है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। एक बड़ी और ये काफी बड़ी है, मतलब इसमें दिख रहा है ना इतनी हाइट है और चौड़ाई भी काफी बढ़िया सी है। सो इतनी है और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इस तरह से ये 3 है, एक के साइड एक, ऐसे 3 साइज में आई। और ये 3 डिफरेंट साइज की है जो बहुत ही ज्यादा प्यारी और मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इसका यूज है ना कहीं और कर लिया, ये भी हमारे ठाकुर जी के लिए था बट इसका यूज कहीं और हो गया। इट्स ओके, मैं इसके मल्टी यूज कर सकती हूँ और सोच रही हूँ थोड़े दिनों बाद इसका कलर भी चेंज करूँ। जब भी करूंगी मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। ये बहुत प्यारे और ये मुझे है ना 99 मतलब 100 में 3 पीस आ गई। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मतलब बहुत क्यूट। एक स्क्वायर डिजाइन में था, रेक्टेंगल डिजाइन में, और एक ये शेप में, तो मुझे ये पसंद आया, मैंने ये ले लिया। इसके अलावा मैंने लिए हैं कुछ इस तरह से 2, तो एक ये है, देख रही है आप इस तरह से इसकी डिजाइन है। सो वो मैंने 2 लिए हैं, आपको बताती हूँ। सारी ही चीजें मैंने 2-2 ली है क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया मैंने ठाकुर जी और राधिका प्यारी के लिए ली थी बट यूज कहीं और हो गया। बट ये भी आप है ना पूरा सेट भी बना सकते हैं 6 का या 2 का, मतलब जब दिवाली वगैरह आती है या आप डाइनिंग टेबल पर अगर आप सजाना चाहते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख के या मुखवास रख के तो बहुत प्यारा है। देखिए कितना एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब यूनिक सा लुक आ रहा है। यूनिक नहीं, कुछ ट्रेंडी, अलग, डिफरेंट, बहुत ही प्यारा और एकदम ऐसे आलिशान वाला लुक के हाथ कहते हैं ना वैसे टाइप के। तो ये 2 प्यारे प्यारे लिए जिसमें मैं ठाकुर जी के लिए बंटा जी टाइप बना सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा श्रृंगार करूंगी तो इसमें बंटा जी, ठाकुर जी के लिए ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी हम रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। और एक कांच का ढक्कन बहुत प्यारा लगता है। तो ये 2 पीस मुझे आए थे 99 में, 2 पीस आए थे यानी 50-50 रुपीज के 1 पीस ये मुझे पड़े बट बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। सो ये कैसी लगी आप सभी को आज की मेरी ये शॉपिंग? और साथ में मैंने ये ली थी जानवी के लिए बट ये डीमार्ट में मिलती है, ये 35 रुपीज की है बट ये थोड़ी डिफरेंट टाइप में ली थी। इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर मैंने आप सभी को शॉपिंग शेयर की थी जिसमें मुझे ओनली 20-20 रुपीज में बहुत प्यारे ट्रे मिल गए थे। 50 रुपीज के 3 ट्रे आ गए थे और ये 35, बट आप सभी जानते हैं हर बारी क्या सस्ता मिलता नहीं है। सो कभी अगर मैं आपको मेरा क्रोकरी यानी मेरे पास जो भी कुछ है ग्लास या कप्स वगैरह वो कभी शेयर करूंगी तो बताऊंगी। बहुत छोटा सा, बहुत सस्ता वाला और बहुत प्यारा सा सेट है मेरे पास जो कि कभी कभार यूज होता है। बच्चे छोटे हैं तो कांच हम यूज नहीं करती मैं ज्यादा,
क्योंकि टूट टूट जाए, टूटना प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर बच्चे को लग जाए तो ज्यादा दिक्कत होगी। तो चलिए आप सभी को बताती हूँ मैंने ये सारे ही जो लेकर आई थी सामान कहाँ किस लिए लाई थी और किस में यूज हो गए थे। यहाँ पर मैंने रात में ही सारी तैयारियाँ कर ली थी क्योंकि सारा वॉश करके रखा था, यूज़ करना है स्कूल में एंड बच्चों के लिए। वैसे भी हम घर बाहर से कोई भी सामान लेकर आते हैं तो उसे अच्छे से वॉश करते हैं। सो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे, बहुत ही रॉयल लुक आ रहा था। और कुछ उसके लिए स्कूल में यूज़ होने के लिए कुछ कांच के बर्तन जो एक्स्ट्रा चाहिए थे वो मैंने मेरे क्रोकरी में से निकाल के वॉश करके रख दिए थे। और अभी रात हो रही है तो अभी नेक्स्ट डे तो हमें जाना है स्कूल। सो देखिए स्कूल में था न्यूट्रिशन डे सेलिब्रेशन बच्चों के लिए, तो उसमें पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। और यहाँ देखिए सबने बना बना कर रेडी रखा था। ये जो है ना रुचि दीदी, हम लोग सब वेस्ट ईस्ट में रहने वाले तो उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था। ये हमारी प्लेट है जो हमने बनाई थी, मैंने एंड जानवी ने। क्या क्या बनाया है मैं आगे बताऊंगी आप सभी को। और यहाँ पर सबने बहुत ही बढ़िया बढ़िया बनाए थे अलग अलग। इन्होंने फ्रूट बास्केट बनाई थी और काफ़ी दूर तक बहुत अलग अलग और बहुत ही बढ़िया सबने किया था। बट मैं आगे जाके कुछ भी शूट नहीं की, मुझे शर्म आती है। सो यहाँ पर जितने भी मेरे नज़दीक थे उनके साथ मैंने किया। और ये है ना सेकंड, इनका नंबर आया था और हमारा भी नंबर आया है, बट बताऊँगी आगे आगे। सो यहाँ पर देखिए सब ने बहुत ही बढ़िया, और जिन्हें जो बनाना था मतलब 45 मिनट्स में हमें सारी डिश बनानी थी, हम पर डिपेंड था। एक लिस्ट आई थी उसमें से आप कुछ भी बना सकते हैं। सो हम माँ बेटी ने मिलकर थोड़ी बहुत बनाई थी, वेलकम ड्रिंक ऑल्सो। और यहाँ काफ़ी लोगों ने सब कुछ बनाया था। सो हम लोग ग्रुप है तो बातचीत तो होती है। सो मैं एक छोटा सा शूट कर रही थी ताकि आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ कि स्कूल में न्यूट्रिशन डे होता है तो हम क्या क्या और बहुत कुछ बना सकते। तो ये हमारा स्टार्टिंग था जब हमने पूरी ही तैयारियाँ कर ली थी। सो ये कुछ डिशेस बनाई है, डिशेस में मैंने क्या क्या बनाया है वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। सो सबसे पहले मैंने बनाया था ब्रुश्चेटा, और यहाँ मैं एंड जानवी यहाँ फ़ोटो निकालने के लिए बैठे थे क्योंकि बहुत खुशी थी इतनी सारी डिश हमने बना ली। तो मेरी तो स्माइल आप देख के समझ रहे कि मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। और देखो डिश में बनाया था इंडियन ब्रुश्चेटा, साथ में रखा था मुकवास। टू टाइप के वेलकम ड्रिंक थे, एक थे काला खट्टा और एक था ऑरेंज जिसे मैंने सजाया था। और देखिए स्मॉल ग्लास भी मैंने यूज़ किए थे। साथ में मैंने बनाया था पीनट चाट एंड इटालियन कॉर्न और थ्री टाइप ऑफ सलाड जिसमें पोमाग्रेनेट का सलाड था, अंकुरित बीज का सलाड था और फ्रूट सलाड था। तो कुछ इस तरह से हमने न्यूट्रिशन डे स्कूल में सेलिब्रेट किया और जिसमें मेरी ये सारी चीजें यूज हो गई और हमें मिला है थर्ड प्राइज, मतलब 26 या बच्चों में भी तीसरा नंबर आना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और 45 मिनट्स में मैंने इतनी सारी चीजें बनाई वो मेरे लिए मेरी खुद की अचीवमेंट है। सो आई एम बहुत, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ये थर्ड प्राइज, ये है जानवी का जिसे थर्ड प्राइज मिला एंड ये पेरेंट्स लोगों के लिए है जिसमें मिला है थर्ड पोजीशन। सो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। लास्ट टाइम जब हमारे जानवी के स्कूल में फर्स्ट टाइम आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ फंक्शन था, सो मुझे कुछ इतनी आइडिया नहीं थी क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है और लास्ट ईयर तो लॉकडाउन था तो ऑनलाइन ही स्कूल चली थी। सो मैंने है ना मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में 1 आवर था और 1 आवर में हमें चीजें बनानी थी। सो मैं आपको बताती हूँ मैंने लास्ट टाइम मैंने क्या बनाया था जानवी के साथ। ये बनाया था मैंने पेन होल्डर, तो देखिए ये कुछ इस तरह से बॉटल से बनाना होता है और इस तरह से मैंने और जानवी ने मिलके दोनों ने बनाया था। तो ये एक बनाने के बाद है ना मतलब हम लोग बस बैठे ही थे और ये 10 मिनट में ही बन गया था क्योंकि बहुत ईजी था। बॉटल कट करके पेपर चिपका के खाली ये सब बनाना था। सो बहुत ही ईजी था। और बच्चों को होता है ना कि मम्मा हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, मतलब अंदर से फीलिंग होती है, जब तक हम खुद एक्साइटेड ना हो किसी चीज के लिए तो बच्चों को हम किस तरह से प्रोत्साहन दे सकते हैं। सो मैंने सोचा इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं, कुछ तो मिले। सो मैं थर्ड पोजीशन के लिए भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि लास्ट टाइम तो हम कहीं गुम हो गए थे क्योंकि ये एक बनाकर हम चुपचाप बैठे थे क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं लेके गई थी और मुझे आइडिया भी नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा भी हम बना सकते हैं। मुझे लगा शायद 1 चीज बना देंगे तो सफिशियंट होगा। सो हमने ये सिंपली बनाया था और ये जानवी के अकॉर्डिंग ही मैंने बनाया था कि जानवी इसमें पूरा ही मेहनत कर सके, मतलब बहुत मैंने खाली बॉटल कट करके उसे पेपर
कट करके दिया तो उसी ने चिपकाया, उसी ने ये सारी चीजें चिपकाई, ये कलर वगैरह उसी ने किया था। सो मैंने सोचा इस बारी हम मतलब पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, नाम के लिए पेरेंट्स को नहीं जाना, पेरेंट्स भी सपोर्ट कर सकते हैं। सो इस बारी मैंने फुल ऑन मेहनत जानवी एंड मैंने की कि हमें कुछ तो लाना है। सो फाइनली हम लोग जीते एंड थर्ड प्राइज मिला। सो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और इसी में से मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी बात भी शेयर करना चाहती हूँ। क्या होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उनके साथ हम भी स्कूल जाते हैं, हमसे ही तो वो सीखते हैं, पहले गुरु तो हम ही उनके होते हैं। जो हम अच्छी बातें उन्हें सिखाएंगे तो वो अच्छा सीखेंगे, और बुरी बातें सिखाएंगे तो बुरा सीखेंगे। सो हमें हर बारी हमारे बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, और उनके साथ हमें भी बच्चा बनना जरूरी है। सो बस फाइनली ये 3 से 4 महीने में 0 से लेकर थर्ड पोजीशन, बहुत ही बड़ी बात है टॉप 3 में थर्ड पोजीशन आना भी। और जैसे यहाँ गुम हो गई थी, सो सेकेंड टाइम में यहाँ तक पहुंची, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। और कहते हैं ना लिटिल लिटिल स्टेप करते ही तो हम बिग अचीवमेंट तक पहुंचते, तो बस हमें ट्राई करते रहना। तो कैसी लगी आप सभी को आज की मेरी वीडियो, पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। और हाँ कुछ भी अगर नया आप देखना या जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं भी कुछ नया नया आप सभी के साथ शेयर करती रहूं। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।